मतलब यहाँ पे जितने भी आपको शूज दिखा रहे हैं वो 750-800 रुपए से स्टार्ट होके 1500-2000 तक की सारी रेंज दिखा रहा हूँ। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार दोबारा न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। कलर सारे दे रहा हूँ, ब्लैक भी दूंगा, व्हाइट से मतलब सुपर वाले बच्चों के लिए पूरी डिस्काउंट जो वर्ल्ड में टक्कर दे रहा है आजकल, रबर बॉक्स जो यहाँ अवेलेबल है और बाकी जो कपड़े वगैरह जो है और बैग वगैरह वो सारा अवेलेबल है। आपने कोई चीज मिस नहीं करनी, फटाफट यहाँ चल के आना है। एक ऐसी कंपनी है जो हर घर में स्टार्टिंग से लेकर आज तक हर घर में गाड़ियां दिखती हैं आपको, जो कि ब्रांड है मारुति। काइनी ऑरेंज, काइनी ऑरेंज लेना पड़ेगा हमें। ठीक है सर। ओ थोड़ा सा ब्लैक, ओ इतने नहीं, इतने नहीं भरा। हेलो YouTube फैमिली, एक बार दोबारा न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप सोच रहे होगे भैया आज क्या दिखाने वाला है, तो आज बताना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप चेक करो, एक ऐसी कंपनी है जो हर घर में स्टार्टिंग से लेकर आज तक हर घर में गाड़ियाँ दिखती हैं आपको, जो कि ब्रांड है मारुति सुजुकी। ठीक है जी, जो कि सिर्फ अब आजकल हम सिर्फ मारुति मारुति बोलते हैं। और आज की जो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आर्टिगा और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब वो लोग कल ही करेगा सारी बातें जहां ओनर से ही मिलवाएगा, तो बताना चाहता हूं सबसे पहले मैं ओनर से मिलना चाहूंगा। वो खड़े हमारे ओनर जी, मैं आया फटाफट। सर क्या हाल है सर जी? तो सर आज की वीडियो क्या स्पेशल दिखा रहे हो, मतलब मेला लगा दिया मारुति का आपने? सारी मारुति की गाड़ियां दिखाऊंगा। ठीक ठीक ठीक, क्या बात है। तो मारुति आप अपने आप में समझो कि आज जो वीडियो में सारा बजट होने वाला है, क्योंकि बजट से ऊपर जाना ही नहीं, क्योंकि कार ही ऐसी है। तो सर सबसे पहले सबकी पसंद बुलिनो, ठीक है जी सर? बेलिनो। कलर चेक कर सकते हो आप, इसका रंग है ऑरेंज, काइनी ऑरेंज। सर इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दो। इसकी इंफॉर्मेशन ये है, ये ऑटोमेटिक है, 2017 है, ठीक है, जनवरी की है, ठीक है, पेट्रोल है। इसमें ना वेरिएंट आते हैं 4-5, ठीक है। तो ये टॉप से एक नीचे वेरिएंट है जेटा। ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब जेटा पुश स्टार्ट आ जाता है इसमें, पुश स्टार्ट बटन है, की स्टार्ट, कीलेस एंट्री है, स्टीयरिंग कंट्रोल सब कुछ इसके अंदर है। नेविगेशन वाला स्टीरियो नहीं मिलता, एक प्रोजेक्टर लैंप नहीं मिलेंगे, बस टॉप मॉडल में ये दो चीज आपको मिलती है। ठीक है जी, सर ने बता दी कितनी सारी इसमें मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, इतनी सारी चीजें जो एडवांस चीजें आजकल चल रही हैं गाड़ी के अंदर। चाहते हैं क्योंकि मारुति की आप शक्लें देख लो, इतनी बढ़िया बढ़िया हो ही जा रही हैं। पहले एक टाइम पे बिलिनो आती थी, देखने का मन नहीं करता था, ये इन्होंने बिलिनो लगा ली, छोड़ने का मन नहीं करता। तो सर बात की जाए, मॉडल नंबर कौन सा सर? 2017 भाई साहब, फिर नवी गड्डी, 25,000 चली हुई है सिर्फ, ऑटोमेटिक जेटा पुश स्टार्ट पेट्रोल, पुश स्टार्ट वो है, धक्के मार कर नहीं स्टार्ट करना, बटन लगे होते हैं इसमें, हल्का सा बटन दबाना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो सर बात की जाए, 2017 मॉडल आप बता रहे हो, इसका रेट कितना होने वाला है? इसका रेट है सर 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए जूम व्हील्स के अंदर सर? वैसे अगर लास्ट, वैसे हम 625 नई गाड़ी है, लगभग 925 के आसपास, 925 के आसपास है, 625 सर बता रहे हैं, 6 लाख रुपए की देनी है। हाँ लास्ट जो रेट है वो है 6 लाख रुपए। फटाफट आ जाओ, अपनी डील ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि आज ये रेट मिल रहा है, कल मूड चेंज हो सकता है सर का। इसके बाद अगला जो कहते हैं स्विफ्ट डिजायर, डिजायर सबकी डिजायर होती है कि हमारे पास गाड़ी खड़ी है वो भी स्विफ्ट, क्योंकि इसकी जो डिक्की होती है बहुत जेन्युइन डिक्की होती है, मजा आता है सामान रखने में। तो सर ये रंग है सिल्वर, सिल्वर कलर, ठीक है सर। मॉडल नंबर 2015 है, 2015 मैं पूरी बेसिक डिटेल देता हूँ, ठीक है सर। 2015 डिजायर LDI, ठीक ठीक, LDI बेस मॉडल होता है, उसमें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ स्टीरियो आता है, ठीक है। बट इसमें चारों पावर विंडो, गियर लॉक, सेंटर लॉक, सारी चीजें लगी हुई है, बकेट सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक साइड मिरर, A to Z सब लगा हुआ है इसमें, ठीक ठीक। तो ये LDI टू कन्वर्टेड इन VDI, ओए होए होए, 2015 LDI VDI बोलते हैं हम उसको, ठीक ठीक। ये वो वाली है, मतलब मिड वेरिएंट बना दिया इसे, फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस भी है, 50-55,000 चली है, डीजल में आती है, डीजल में आती है। अब सर ने बताया सेंटर लॉकिंग, लॉकिंग सारे लगे हुए हैं, अब हरिसन के ताले नहीं आपको अलग से हम दे देंगे डाल के, जो कंपनी फिट ताले होते हैं वो सारे बटन वाले जो ताले हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। 2015 आपने बोला है, 15, और कलर
कलर है सिल्वर, सिल्वर बिल्कुल कम चली हुई है, यानी कि सिर्फ 50,000 56,000 के आसपास चली हुई है। गाड़ी बिल्कुल मिंट कंडीशन में है। आफ्टर मार्केट कुछ लगा हुआ सर इसमें? आफ्टर मार्केट जो LDI से VDI बनी है वो सारा आफ्टर मार्केट ही होता है। मार्केट मतलब ठीक है, जो सारा प्रिपेयर करके सारा खर्चा कर दिया है, अब आपने खर्चा नहीं करना, सिर्फ एक चीज देना है जो सर मूल मांगेंगे सर। इसका जो मतलब हम जाएं शोरूम, मतलब आज क्या रेट चल रहा है इनका सर? इस गाड़ी का नया मेरे ख्याल से 7.5-8 लाख रुपए की रेंज में नई है ये LDI, 7.5 के आसपास होगी। ठीक है, और हमारा प्राइस है 390। अब इसमें दो बातें सोचने वाली हैं। पहली बात तो रेट कितना कम दे दिया, 3,90,000। दूसरी बात जो खरीदने के बाद एडिशनल खर्चा हुआ है, आप जाओगे वो भी उसके एडिशनल पैसे नहीं ले रहे, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट खर्चा होता है वो आपको फ्री में गिफ्ट किया जाता है। सर उसके पैसे नहीं मांग रहे, सर मॉडल के हिसाब से रेट मांग रहे हैं। 3,90,000 थोड़ा सा नेगोशिएबल देख लेंगे, मूड होगा तो करवा भी देंगे। तो ये थी हमारी दूसरी गाड़ी। मारुति की गाड़ियाँ खत्म नहीं करेंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ दिखानी है। एक और सियाज, मारुति की सियाज, ठीक है जी, व्हाइट कलर, ये भी लंबी लंबी गाड़ियों में गिनी जाती है, अल्टीमेट गाड़ी है। व्हाइट रंग, जानबूझ के व्हाइट दिखा रहे हैं, कपड़े में व्हाइट पहन लिए इसलिए। तो सर ये मॉडल नंबर कौन सा है? 2016 है। 2016, ठीक है। इसमें इंजन में चेंजेस आ गए थे। अच्छा, 15 तक VDI आती थी डीजल में, जिसमें हाइब्रिड इंजन नहीं आया था। ठीक है, बट 2016 में हाइब्रिड इंजन लॉन्च हो गया था। अच्छा, तो हाइब्रिड वाली है। तो ये हाइब्रिड वाली है, इसका मतलब इसमें पावर ज्यादा डाल दिया। ठीक है जी, बैटरी से चलती है कुछ टाइम के लिए, जैसे आपकी कुछ स्पीड के बाद ऑटोमेटिक बैटरी पे रहती है। अच्छा, जादू है इसके अंदर, SHVS इंजन आता है वो वाला है। तो प्रॉपर से जादू छिड़का हुआ है। ठीक है जी, फुल फील आने वाली है आपको, पूरी रॉयल लुक देगा, क्योंकि अपने आप में मारुति के अंदर लग्जरी कार में गिनी जाती है मारुति के अंदर। तो सर आपने बताया मॉडल नंबर 2015 है, 15 और चली भी बहुत कम है ये। ठीक है ना, ये चली है लगभग 60-62 हज़ार चली है। ठीक है जी, जान पूरी है गाड़ी के अंदर, टायर टू रॉकर बोर्ड है। सर नेक्स्ट टू कहते हैं शोरूम क्या रेट होने वाला है? 11.5 लाख रुपए के आसपास शोरूम पे होगी नई। ठीक है जी, एक्यूरेट मुझे भी नहीं पता नई गाड़ी का, पर 11-11.5 की रेंज में होगी लगभग, इतना रहेगा। और सर बात की जाए जूम व्हील्स के अंदर क्या रेट होने वाला है सर? इसका प्राइस सर 6 लाख रुपए की ये मिलेगी। 6 लाख रुपए, ठीक है जी। अब इतने पैसे सर बचा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गाड़ी लेने नहीं आओ तो सिर्फ थैंक्स ही बोल देगा। इस गाड़ी में एक प्लस पॉइंट और भी है। हाँ जी सर, मैंने बात काटी, ये गाड़ियाँ कंपनी में बहुत लगती है, गवर्नमेंट सेक्टर में सारी यही गाड़ियाँ लगी हुई है। सियाज, जितने भी रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सब में सियाज और अर्टिगा ही लगती है। ठीक है, ये एक अर्निंग सोर्स भी है ऐसी गाड़ियों से। हाँ, तो ये एक चीज ऐसी है कि ऐसी गाड़ियों के लेने के बाद ना आपकी जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आता है ना, सारी गाड़ियों से कंपैरिजन कर लो, सबसे कम मेंटेनेंस इन कंपनी की गाड़ियों में लगता है, मारुति में। हाँ ना, क्योंकि होता क्या, हम खरीद भी लेंगे जैसे से करके, पैसा नहीं भी होगा इधर तो लोन लेके, फिर उसमें टेंशन बढ़ती है कि भैया इसके बाद मेंटेनेंस कैसी हो। तो ये गाड़ी ले जाओ, बिल्कुल फ्री रहो, जीरो मेंटेनेंस का है, सिर्फ पेट्रोल भराओ चली चलो आगे। सर इसका रेट आपने बता दिया, थोड़ा सा नेगोशिएबल जो होना होगा देख लेंगे, मारुति खत्म नहीं करेंगे। ये गाड़ी सर, ये गाड़ी कौन सी है? एस क्रॉस, ठीक है जी। ये प्रॉपर कहते हैं SUV, मतलब बैठ जाओ अंदर पूरी फील ले सकते हो, ठाठ फील करोगे, बहुत अच्छी गाड़ी है। 5 सीटर है सर, 5 सीटर आती है, और पीछे डिक्की बहुत खतरनाक होने वाली है इसकी। अच्छा, स्पेशियस कार है। ठीक है, तो सर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और जानना चाहूंगा, मॉडल नंबर क्या सर? ये 2016 है। 2016 आज आपको सारे ऑलमोस्ट 2016 ही मिलेंगे। ठीक है जी, 2016 है, फर्स्ट ओनर है। ठीक है, 32 विद रिकॉर्ड चली है। ठीक है, इसमें भी वेरियंट होते हैं, ये टॉप एंड वेरियंट है, अल्फा अल्फा, जैसे की अपन ने भी बेलिनो देखी थी, जेटा थी, ये अल्फा है। पुश स्टार्ट होती है भी, कीलेस एंट्री वाली। ठीक है, अल्फा बीटा सब मिलने वाला आपको इस गाड़ी के अंदर। ठीक है जी, पहला रंग बताना चिट्टा रंग, व्हाइट कलर। गाड़ियां साफ रखी हुई है ना सर, मतलब जितने कपड़े इनकी चमक रही है ना, टी शर्ट चमक रही है उतनी ही ज्यादा चमक इनकी रही है गाड़ियां। तो सर ये बताया आपने, इसमें भी कोई खर्चा खुर्चा? इसमें टॉप एंड है, इसमें कुछ भी नहीं, नेविगेशन, स्टीरियो वगैरह आता है, स्टीयरिंग कंट्रोल, सब कुछ कंपनी फिटेड है, कुछ भी बाहर नहीं, अलॉय एयरबैग सब लगा हुआ, सारा कुछ लगा हुआ है, पेन ड्राइव डालनी है, गाने सुनो मन पसंद के, पूरी फील आने वाली है। टायर बिल्कुल ओके हैं, कोई चक्कर नहीं है, इंजन बिल्कुल जेन्युइन है, चली भी ज्यादा नहीं है, मीटर और नॉन एक्सीडेंटल की हमारी गारंटी है। ठीक है जी, तो मैंने भी कुछ वीडियो पहले भी बोला था कि सर जब भी गाड़ी परचेज करते हैं पहले खुद परखते हैं, गाड़ियों के डॉक्टर कहा जाता है इन लोगों को, ये पहले चेक करते हैं, अगर लगता है कि हार्ट वार्ट सब ओके है, किडनी ओके है, तब गाड़ी खरीदी जाती है इनकी। तो सर अब बात की जाए रेट की, इसके प्राइस की, ये भी 6 लाख रुपीज की रेंज में। ठीक है जी भैया, आज तो भैया 6 लाख रुपये मंगवा लो कहीं से, 6 लाख के अंदर ही गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, और सारी दिखा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, लेने के बाद कोई खर्चा नहीं करना। 6 लाख सर ने कर दिया डिमांड, और जो भी नेगोशिएबल होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे चलेंगे भाई साहब आर्टिगा। ये भी गाड़ियाँ ऐसी हैं 7 सीटर में, कहते हैं फैमिली कार इसको कहते हैं। इसमें सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, ये है वाइट रंग की गाड़ी, वाइट रंग की गाड़ी है। बाकी सर आप बताओ, मारुति की सबसे हॉट प्रोडक्ट यही है। ठीक है, अर्टिगा, ये पेट्रोल में है,
इसके अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी लगी हुई है। अच्छा, इसे कहते हैं मारुति अर्टिगा ग्रीन। अर्टिगा ग्रीन जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ VXI वेरिएंट में ही आता है, ठीक है। LXI और ZXI में सीएनजी नहीं आती, ठीक। आपको एक्स्ट्रा फिटेड करानी पड़ती है। ये मारुति अर्टिगा 2016 मॉडल है, VXI है, कंपनी ग्रीन है, फर्स्ट ओनर है, 45,000 विद रिकॉर्ड है। क्या बात है, पेट्रोल प्लस सीएनजी, पेट्रोल प्लस सीएनजी। अब देख लो मैंने, ये शेप भी नई है, ठीक है। इससे पहले वाली में 15 में ओल्ड शेप थी, 16 में न्यू शेप है, क्रोम ग्रिल वाली। क्रोम ग्रिल सर ने बताया है, ठीक है, लेटेस्ट मॉडल है और सर ने बताया है सीएनजी फिटेड। अब इसमें एक प्लस पॉइंट देखो, सिर्फ सर ने मुझे गाइड करा था कि 350 रुपए का सिलेंडर फुल हो जाता है, 170 150 और 200 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं, और हाईवे पे 250 से ऊपर जाती है, 250 से ऊपर जाती है। हाईवे पे चले जाओ, ठीक है, वहाँ रोटी खाने का मूड होगा ना तो पीछे सिलेंडर खोल लेना, रोटी पका लेना, तो आपका सिलेंडर दोनों काम कर जाएगा। 350 भी आपको बचा भी देगा, 250 किलोमीटर आगे और रात की रोटी पका के दे देगा आपको। तो सर इसकी रेट की बात की जाए, शोरूम क्या रेट होने वाला है सर? ये 665 की हमारी डिमांड है, लेकिन हम ये लास्ट 640 की हम दे देंगे, ठीक है जी। तो सर ने बोला है 6,65,000 पर, लेकिन सर अब खुद 640 की आफ्टर डिस्काउंट दे दूंगा मैं। 6,40,000 लास्ट रेट है सर, कह रहे लास्ट रेट देने का कारण, सॉरी बात काटी, लास्ट रेट देने का कारण ये होता है कि कस्टमर 665 सुन के कई बार आता नहीं कि क्या नेगोशिएशन हो ना हो, बट मैंने आपको जो लास्ट प्राइस दे दिया 640 में, आपको ऐसी गाड़ी इस रेंज में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी सीएनजी सर्वे कर लो कहीं पे भी। इसमें प्लस पॉइंट देखो ना, कंपनी फिटेड आपको सीएनजी पेट्रोल दोनों आप चला सकते हो, ठीक है ना। आप बाहर से लगाने जाओ वो एडिशनल कितना खर्चा आ जाता है, तो खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरह। ओए भाई, एक और आर्टिका सर, ये भी आर्टिका है सर, ये दो एयर कैनन मॉडल है सर, 2016 है, ये भी 2016 है। ये उसके मामे का लड़का हमने दिखाया था, ये चाचा लड़का हम दिखा रहे हैं, ठीक है जी। सेम कंपनी है, कलर लगा, ये है सिल्वर, सिल्वर कलर, मॉडल सेम है, 2016 मॉडल है, 16 है, लेकिन वेरिएंट चेंज हो गया। ये डीजल में, ये डीजल में, ये डीजल में VDI है, ठीक है, पेट्रोल में VXI था, मिड वेरिएंट आता है, ठीक ठीक ठीक। शेप ये भी नहीं है, ठीक है, ये 65,000 चली हुई डीजल में, डीजल की रनिंग थोड़ी ज्यादा रहती है, हालांकि ये गाड़ियां कुछ नहीं कहती 2-3 लाख किलोमीटर तक, बट 65-70,000 के बीच में गाड़ी चली हुई जाती है। तो इसमें प्लस पॉइंट आप देख लो, इस टोर के अंदर यानी कि जूम व्हील के अंदर अगर आप सिर्फ आर्टिकल लेने आ रहे हैं, तो इस वीडियो मैंने आपको दो दिखा दिए, ऐसे हम 2-4 और दिखा देंगे, मतलब जैसा आप चाहते हो ना। अगर आपको सीएनजी चाहिए तो वो खड़ी हुई आप ले जाओ उठा के, कोई चक्कर नहीं, चाबियां हम आपको पकड़ा देंगे। डीजल तो कहते हैं लवर, हमें डीजल गाड़ी ही चाहिए, तो आप डीजल भी लेके जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। सर अब और बात की जाए, आफ्टर मार्केट कुछ खर्चा हुआ इसका? इसमें कुछ नहीं, सब कुछ कंपनी फिटेड है, लेदर इंटीरियर, सीट्स वगैरह सब कुछ कंपनी से, पूरी फील आने वाली लेने के बाद, ठीक है जी। आपने घर के नीचे खड़ी करनी है, दुनिया ने पूछ लेना भाई साहब कल तक तो गाड़ी नहीं थी, आज ब्रांड न्यू शोरूम से निकाल के ले गया, हमने कहा भाई जूम व्हील्स की करम आता है जो इतना साफ सफाई से चीजें रखते हैं। तो सर 2016 आपने बताया है, 16 चली कितनी है सर? 65,000 65,000 सर, डिमांड क्या कर रहे हो? एक ही प्राइस है सर, सेम चीज, 6,40,000 6,00,000 रुपए 6,00,000 यहाँ पे फिक्स कर रखा है सर ने, सोच के 6,00,000 की गाड़ी दिखानी है। तो हाँ जी, हमने गाड़ी कितनी दिखाई सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लो जी, 6 गाड़ियाँ और 6,00,000 के अंदर अंदर गाड़ी दिखा रहे हैं। तो सर थंबनेल में बड़ा सही डालने वाला, 6-6 लाख के आसपास कुछ बनाऊंगा चीज। तो सर आज की वीडियो में यही गाड़ियाँ दिखानी थी हमने, ठीक है जी। गाड़ियाँ तो बहुत हैं, कमिंग वीडियोज के अंदर आपको दिखा दूंगा, महिंद्रा की गाड़ियाँ भी दिखा दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सा कैमरा मैन आज कोई वीडियो दिखाता नहीं है, कैमरा घुमा लो थोड़ा सा उधर को, ये सारी गाड़ियां मतलब जहां तक आपकी आंख जा रही है ना, सारी की सारी गाड़ियां जूम व्हील्स की गाड़ियां लगी हुई हैं सर। ये हमारा हाँ बस यहां तक रुकना, आगे फिर पोल खुल जाती है, आ जाओ सर वापसी, आ जाओ मुझे देख लो। तो ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो भैया मैं भी आपको थैंक्स करूंगा, नहीं पसंद आई तो सजेशन दे दो, नया नया हूँ, कोई गलती होगी कमी बेशी इसको सुधार लेंगे, वो दूर कर लेंगे। हाँ तो ये थी आज हमने दिखाया सर मारुति स्पेशल, और कमिंग वीडियोस में मैं लेके आ रहा हूँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया इनकी कलेक्शन और बढ़िया बढ़िया रेट के अंदर। कोई भी आपको अलग से चाहिए कुछ इंक्वायरी किसी पर्टिकुलर किसी गाड़ी की, तो सर वो भी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैक्सिमम गाड़ियाँ नहीं दिखा सकते, ठीक है सर। तो वीडियो को करते हैं एंड, और एंड में यही बात बोलना चाहूँगा, कैसे आना है डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, नेताजी सुभाष पैलेस, नेताजी सुभाष पैलेस, गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन, ठीक है। गेट नंबर 2 से आपने एग्जिट होना, ई रिक्शा से आप बोलेंगे NDM1 बिल्डिंग जाना है, ठीक है। NDM1 बिल्डिंग में G8 में हमारा ऑफिस है जूम व्हील्स के नाम से, ठीक है। तो कैमरा मैन को दोबारा बोलना चाहूंगा, बिल्डिंग है, बिल्डिंग चेक करा दो एक बार, वो बात तुम्हारी खड़ी है, आज हम इस पोजीशन पर खड़े हैं, पीछे वाली बिल्डिंग खड़ी है और सामने पड़ती है सिटी टावर, उसके बिल्कुल अपोजिट पड़ेगा। कैमरा मैन कह रहा घुमा दूं, तो घुमा दो सर, घुमा दो, कोई चक्कर नहीं है। लो जी ये आपका है सिटी टावर, आ जाओ सर वापसी, आ जाओ वापसी, आ जाओ। तो ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, तो वीडियो करूंगा मैं एंड, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके बाय।